Hey everyone, welcome back to the new video. My name is Gaurav and you are watching Trader Sir. In this video, we are going to talk about OTC market. जैसे कि आप सभी को पता है जो मैंने कहा था कि OTC market 90% of the time आपके patterns पे काम करता है, 10% of the time आपके levels पे काम करता है. मतलब 10 में से 9 दिन तो यहाँ pattern ही चल रहे होते हैं, मतलब levels काम नहीं आते उतने, और 10 में से एक दिन levels काम आते हैं. तो आज वो दिन है, वो बड़ा iconic दिन है, historical दिन है, वो एक दिन है जिसमें levels काम आ रहे हैं. तो मैंने तुरंत जो है मैंने बोला वीडियो बनाते हैं क्योंकि लेवल्स काम कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने बहुत बढ़िया से यहाँ पे प्राइस सेक्शन सेटअप किया है आपके सामने. ज़रा कुछ ट्रेंड लाइंस भी बना लेते हैं, इसके बाद इस प्राइस सेक्शन पे हम ट्रेड्स लेंगे. ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता देता हूँ. लोग सोचते हैं कि आपको अगर लेवल्स ड्रॉ करने आ गए तो इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी 100% हो गई. ऐसा तो होता ही नहीं है ना यार. अगर आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचने से, आपके लाइन खींचने से आपकी एक्यूरेसी 10 में से 10 हो जाती तो इस समय हिंदुस्तान में गरीबी ना होती भाई. क्योंकि कितना मुश्किल है लाइन खींचना, 2 मिनट का काम है यार. एक दिन में सीख जाए बंदा लाइन खींचना, ऐसा होता तो गरीबी मिट जाती हिंदुस्तान से. ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लेवल्स काम करते हैं पर, लेकिन विद रिस्क मैनेजमेंट. आपको मैनेज करना है अपना पैसा. अंधा पैसा लगा दोगे तुम किसी भी लेवल पर तो वो काम नहीं करेगा ना भाई. ठीक है, तो ये इसलिए मैंने पहले आपको इसलिए बता दिया क्योंकि कुछ लोग पागलों की तरह पैसा लगाते हैं. वो सोचते हैं कि लेवल्स का मतलब भगवान है, लेवल्स आ गए तो मतलब सब कुछ हो गया, अब तो अंधा पैसा लगाओ. ऐसा नहीं होने वाला. एक एरर कैंडल आया नहीं, पैसा जीरो हुआ नहीं. अब मैंने ऐसा डाउन की ट्रेड लगाई, अब ये तो कोई अंधा भी बता देगा भाई कि डाउन की ट्रेड क्यों लगाई. रीज़न क्या है यहाँ पे? रीज़न है LGBTQ SSB BBW threesome. आ जाओ कोर्स ख़रीद लो 50,000 रुपये का. ये है रीज़न. लोग ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं तुम्हें. रीज़न क्या है? सिंपल आपको दिख रहा है. मैंने ट्रेड लेने से पहले क्या किया हुआ है? लाइन खींची हुई है रेजिस्टेंस की, दिख रही है आपको? ठीक है, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पे. देखो एक लेवल और ड्रॉ कर लेता हूँ मैं. ठीक है, यहाँ पे वीक लेवल था. ठीक है, थोड़ा जूम इन करते हैं. मैंने बहुत पहले वहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दी थी रेजिस्टेंस की. ठीक है, ट्रेड लेने से पहले आपके सामने की बात है, और डाउन की ले ली. अब मैं यहाँ पे कुछ अनसेंट भी बोल दूंगा ना, लोग मान लेंगे. क्योंकि आधे लोग तो इसी चीज़ में व्यस्त हैं क्योंकि ट्रेडिंग से लॉस कर दिया. आधे लोग अभी इसी चीज़ में, इसी सपने में कि शायद कुछ अलग होता होगा दुनिया में, SSB BBW होता होगा. कुछ भी नहीं होता, सिर्फ लेवल काम करते हैं अलॉन्ग विद रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, ऐसा होता है. तो ये ट्रेड हमने विन कर ली. आप देखोगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपका पैसा बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, कोई सा भी मार्केट हो. ठीक है, ऐसा होता है. तो रिस्क मैनेजमेंट करना, फालतू बकवासों में मत जाना. दुनिया के सारे ट्रेडर प्राइस एक्शन करते हैं क्योंकि वही ज़रूरी है. अब मैंने यहाँ से अब की क्यों ली? क्योंकि यहाँ पे जो है एक सपोर्ट लेवल था. अब की ले ली मैंने तो इसको ऊपर जाना चाहिए. अब मैंने कहा जाना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि जाएगा ही जाएगा. ईगो पे नहीं लेना कि ऊपर जाएगा. कुछ लोग फुल पैसा लगा देंगे कि भाई सपोर्ट लेवल है. नहीं, गलत हो सकता है और एक्सेप्ट करना है और सोच के चलना है. इन केस अगर गलत हुआ तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है? ठीक है, तो मैं तो यही सोच के चल रहा हूँ कि भाई देखो अगर लॉस हुआ तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. तो प्लानिंग सारी आपकी होनी चाहिए कि यार आपको लॉस करने पर क्या करना है. ये सोच कर नहीं चलना कि मैं इसको जीत ही जाऊँगा. ठीक है, तो देखते हैं इस वाली ट्रेड में क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या करना है. तो आपको लेवल्स बनाने सीखने हैं, और अच्छे से नहीं आते तो मेरा कोर्स जस्ट लॉन्च होने वाला है, उसमें मैं आपको लेवल बनाना सिखाऊंगा ताकि आप लॉस तो मत करो कम से कम यार, एटलीस्ट ब्रेक इवन करो. ठीक है, अब इसके बाद हम इसको यहाँ से अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लेते हैं. अब की क्यों ली? क्योंकि नीचे सपोर्ट लेवल था. ठीक है, आपके सामने की बात है, तो सपोर्ट लेवल में हमने ले ली. अब मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने सपोर्ट बनाया है, जोन है, तो ऊपर जानी चाहिए थी. अब देखो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है, हर बार सही नहीं निकलोगे ना. इसको मैं जीत जाऊँ तो अच्छी बात है, पर आप हर बार सही नहीं निकल सकते. क्योंकि ऐसे अगर लेवल काम करने लग गए, सपोर्ट एकदम सपोर्ट बनने लग गया, तो यार नौकरी करने की ज़रूरत क्यों है किसको? हम जिस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं ना, उसमें कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हैं. दुनिया इसीलिए चल रही है. अगर हर कोई सीखने लग गया तो दुनिया की वाट लग जाएगी भाई, महंगाई बढ़ जाएगी, भुखमरी आ जाएगी अगर हर कोई कमाने लग गया ऐसे. तो इसलिए इसमें सक्सेस रेट 1% है. अगर हर कोई कमाने लग गया तो गवाएगा कौन, है कि नहीं है? इसी हिसाब से तो मार्केट चलता है. हर कोई कमाएगा तो यार ऐसा थोड़ी चलेगा. तो यहाँ से मैं अब MTG में ले लूँगा क्योंकि वहाँ पे मेरा लेवल काम नहीं किया, और जस्ट उसके नीचे मेरा नेक्स्ट लेवल भी था, तो मैंने 4 ट्रेड मार ली. ठीक है, और ये आपके सामने हो रहा है. ये ट्रेड मतलब जब तक ख़त्म हो रही थी मैंने नीचे अपना लेवल ड्रॉ भी कर लिया था, जो मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ. तो मैंने जो है यहाँ से ले ली अब की, और मुझे पता था ये ऊपर जाएगी क्योंकि एक बार फॉलो नहीं किया दोबारा तो करेगा. ठीक है, और ये चीज़ आती है एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस कैसे आता है? प्रैक्टिस से. प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जब टाइम लगता है प्रैक्टिस करने में. ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं यार हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है और आपको भी आता है. ठीक है,
हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, आप कर पा रहे हैं। तो मैं हमेशा उनको यही बात बोलता हूँ, MS धोनी और विराट कोहली है ना, उनको भी बैट पकड़ना आता है, उनको कुछ दो चार शॉट्स आते हैं, है ना। क्रिकेट में क्या होता है, प्लेड करते हैं, चौका मारते हैं, छक्का मारते हैं, तीन चीज़ें ही तो होती है, या तो प्लेड किया, चौका मारा, छक्का मारा। वो हमें भी आता है, तो वो क्यों हमसे बेहतर कर रहे हैं, क्या रीज़न है? तुम उनको ये जाके बोलोगे कि यार बैट बॉल आपके पास भी है, बैट बॉल मेरे पास भी है, तो मैं आपसे अच्छा क्यों नहीं खेल पा रहा? वो जूते मार के भगाएंगे। उनकी सालों की प्रैक्टिस है, भले ही वो तीन चीज़ करते हैं, या तो प्लेड करेंगे, सिंगल रन जो होते हैं, या तो चौका या तो छक्का, तीन चीज़ें ही होती है ना, पर वो चीज़ उन्होंने सालों प्रैक्टिस करी है। तो अगर तुम्हें प्राइस सेक्शन आता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे अच्छा भी प्रॉफिट कर सकते हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कर लो अगर टाइम हुआ तो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें जो है सपोर रेजिस्टेंस दो दिन में कहीं पर मुंह मार के सीख लिया, अब तुम्हारे बैटल करने, ऐसा नहीं होगा। जो टाइम लगना है वो लगना है। आई बात समझ में? एक प्लांट होता है चाइना में, चाइनीज बैम्बू, उसकी खासियत यह है कि जब उसको बोते हैं ना, तो शुरू के 5 साल तक ना उसका उसकी जड़ भी नहीं फूटती, मतलब शुरू के 5 साल तक ना आपको उसका एक पत्ता भी नहीं दिखाई देगा मिट्टी के ऊपर, वो जमीन के अंदर दबा हुआ रहता है, ठीक है। पर लेकिन जब वो बढ़ना स्टार्ट होता है ना, विद इन एक हफ्ते के अंदर वो लगभग एक बिल्डिंग जितना, एक मंजिल जितना बड़ा हो जाता है, और 4 हफ्ते के अंदर अपना पोटेंशियल पकड़ लेता है, जो कि लगभग 4 मंजिल की बिल्डिंग होती है। तो इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है, पर लेकिन शुरू के 5 साल जमीन में गड़ा हुआ रहता है वो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है, उसको 5 साल लगने हैं तो लगने हैं। चाइनीज़ बैम्बू को अब तुम दुनिया में कोई यार बैम्बू उठा के ला दोगे, चाइनीज़ बैम्बू थोड़ी हो जाएगा वो, उसे 5 साल, मतलब कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं, ये चीज़ भी टाइम लेती है। सिर्फ सपोज रेजिस्टेंस पता होने से ट्रेडिंग हो जाती यार, तो कौन नहीं कर रहा होता? दुनिया में हर किसी को ट्रेडिंग पसंद है, बैठ के हर किसी को खाना है, पर डिसाइड उसकी प्रैक्टिस करती है कि ये बैठ के खाने लायक है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होने वाला, SSB WB BBW threesome, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम बस अपने जेब का पैसा वेस्ट करोगे बिन बात के कोर्स लेने में, और जो तुम्हें फ्री में सिखा रहे, तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं होने वाली। तुम्हें 8-10 साल बाद जब तुम लॉस कर करके ना, आज भी लॉस करोगे, अगले साल भी, फिर अगले साल भी, जब ज़िंदगी लॉस में निकलेगी तब समझ में आएगा कि मेहनत ही गलत डायरेक्शन में हो रही थी। काश सही कर लिया होता तो शायद मैं 1% में होता, ठीक है। अभी जैसे कि ट्रेड मैंने लॉस कर दी, ठीक है, तो मुझे पता था लॉस करूंगा तो अगली जो है मैं डाउन डायरेक्शन का MTG यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए ताकि मैं रेजिस्टेंस लेवल पे ले लूँ, जैसे यहाँ पे आ गया है ना ये, तो मैं कोशिश करूँ यहाँ पे ले लूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपको हर चीज़ में आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है ना भाई, अगर मैं ये हार भी गया ना 1 स्टेप, तो अगर मैं 3 स्टेप में भी जीतता हूँ ना, मैं तो भी प्रॉफिट में रहूँगा। लोग यही बात तो नहीं समझते, आपको 3 में से बस एक बार जीतना है, ठीक है। मार्केट की इज्जत करो ना, उसे बोलो भाई देख 3 में से 2 बार तू जीत जा, पर एक बार मुझे जीतने दे, वो तुम्हें जीतने देगा। तुम्हें 10 में से 10 बार क्यों जीतना है? ऐसे नहीं होने वाला। तो मार्केट को बोलो भाई 10 में से तू 6 बार जीत, मुझे तो 4 बार जीता। चल तू 10 में से 7 बार जीत, मुझे तो 3 बार जीता, पर जीता। आप जो 3 बार जीतोगे ना, उसमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, उसे हम बोलते हैं मार्टिंगल। अगर तुम 3 स्टेप में भी विन करते हो ना, तो स्टिल प्रॉफिट में आओगे। पर लोगों को समझ नहीं आती ये बात, उनको तो करनी है भाई $10 से 2000 की कंपाउंडिंग। और वो कैसे होती है, वो तो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया है, मेरी वीडियो चेक करना, कंपाउंडिंग का जो है सीक्रेट क्या होता है, मैंने बताया है 10 से 1000 कैसे बनते हैं। हाँ जी बनते हैं, मैंने बनाए हैं, पर लेकिन उसका तरीका कुछ और ही होता है जो तुमने सोचा भी नहीं है। तो मेरी वीडियो सर्च करना, रियलिटी ऑफ कंपाउंडिंग, पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमने विन कर लिया, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे हम अपनी ट्रेड्स कर रहे हैं, और आपके सामने मैं सिर्फ लेवल्स पे ले रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। मैं वीडियो कट भी नहीं करूँगा बाकियों की तरह, आप सामने सामने देखना। और मुझे क्या पड़ी है तुम्हें ऐसा बताने की? देखो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं वीडियोज़ ही क्यों बना रहा हूँ तुम लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स ना झूठ नहीं कहते, वो कह रहे हैं 90% लोग सिर्फ पैसा गंवाएंगे, तो उसका मतलब सच ही है, वो गंवाएंगे चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, है ना। पर लेकिन अगर मेरी मेहनत से कोई एक बंदा भी सीख रहा है, कम से कम वो याद रखेगा कि किससे सीखा था, किसने मुझे बताया था, तो वो चीज़ बड़ी यादगार रहती है। क्योंकि भाई जिस स्टेज से मैं गुजरा हूँ, मुझे लगता है आप सब गुजर रहे हो या गुजर चुके हो, है ना। अब मैंने डाउन की क्यों ली, कोई भी बता देगा रेजिस्टेंस लेवल था ऊपर, तो डाउन की ले ली, ठीक है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसको जीत जाऊँगा, मैं दिमाग में लेकर चलता हूँ कि मतलब इमोशन ही नहीं है, जीते तो जीते, हारे तो अपना नेक्स्ट प्लान है। तो दिमाग में मैं ये नहीं रखता कि 10 में से 10 जीतनी है, 20 में से 20 जीतनी है, ऐसे मैं रखता ही नहीं, क्योंकि जिस दिन ऐसा रखूँगा मुझे पता है मैं हारूँगा। मैं एकदम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई 3 में से 2 बार तू जीत, मार्केट बस एक बार मुझे जिता दे, मेरा काम वहीं हो जाता है। इसलिए तुम मुझे लीडर बोर्ड पे देखते हो, तुम बाकियों को नहीं देखते,
जो बकवास करते हैं। ठीक है, मार्केट एकदम सिंपल है, ओनली प्राइस एक्शन लेवल्स पे काम करता है। और जो लोग तुम्हें जी उल्टी सीधी चीज़ें बताते हैं ना, रियलिटी में यही प्रॉफिटेबल नहीं होते। और ये प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि 36 चीज़ों में घुसे हुए। जो बंदा 36 चीज़ नहीं कर पा रहा वो एक चीज़ क्या करेगा, है ना। बचपन से घर वाले बोलते हैं भाई 36 काम मत कर, एक काम पकड़ ले हो जाएगा काम, बस एक चीज़ अच्छे से कर। पर नहीं, उल्टे सीधे काम करने हैं सबको, 36 चीज़ें पकड़नी। भाई ऐसे नहीं होता, एक काम ही अच्छे से होता है। लेवल पकड़ो, प्रैक्टिस करो, जीत जाओगे। मेरे को तो रोज़ मैसेज आते हैं बंदों के, भाई 100 से 300 बना लिए, 300 के 900 बना लिए, सिर्फ लेवल्स पे क्योंकि आपसे सीखे। यही है बस, लेवल्स ही है सब कुछ। ठीक है, बाकी अगर आपको मेरे फ्री ग्रुप में आके मेरे फ्री सिग्नल चाहिए ना, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उस लिंक से आपको अकाउंट बनाना है, उसमें डिपॉजिट करके मुझे मैसेज करना है, आपको मैं ऐड कर दूंगा अपने फ्री ग्रुप में। सिग्नल मिलते हैं आपको 8 PM टू 10 PM, रात को 8 बजे से रात को 10 बजे तक मिलते हैं सिग्नल्स, वो भी सारे विनिंग। और पेड ग्रुप में आके मुझसे पर्सनली सीखना है आपको लेवल्स लाइव मार्केट में, तो पर्सनली मैसेज करना। उसकी फ़ीस है 2500 रुपये फॉर लाइफ टाइम, सिग्नल्स लाइफ टाइम मिलेंगे, पर क्लासेस एक महीने में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, ये सब है। बाकी मेरा कोर्स तो आने वाला है, उसको भी देख लेना, है ना। तो देखो, मेरे ख्याल से इस वाली को हम जो है लॉस कर रहे हैं, और इससे मेरी ईगो में फ़र्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी। हो रहा है तो हो रहा है लॉस। अभी जो है यहाँ पे देखो, ये लेवल है रेजिस्टेंस का, लेवल खींच देता हूँ इसको मैं। ये मेरे प्रीवियस लेवल बना रखे हैं, अभी अभी नहीं बना रहा मैं, पहले के बना रखे हैं। ठीक है, अब आप देखो कि इसको पार कर रहा है, तो मैं यहाँ पे MTG डाउन के ले लेता हूँ। ठीक है, और प्रीवियस बना रखे हैं, ऐसे नहीं कि अभी ड्रॉ करें कैंडल देख के, पहले के जब वीडियो शुरू हो रही थी उससे भी पहले के बना लिया था मैंने वो। ठीक है, अब आप देखो क्या होता है लेवल्स की पावर। अब देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। भाई इसको तो हमें विन ही करना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल है बहुत बढ़िया वाला। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसमें। बाकी है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करना, है ना, लाइक शेयर करो चैनल को। और फ्री ग्रुप में आने के लिए आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, अकाउंट बना के डिपॉजिट करके मैसेज करना। पेड में आने के लिए पर्सनली मैसेज करना। ठीक है, अगर मेरा टेलीग्राम लिंक काम नहीं कर रहा तो सर्च करना मेरा यूज़र नेम, मैं ही मिलूंगा यार, ऐसे कैसे कोई और मिल जाएगा। नंगा करके मारेंगे कोई मेरे नाम पे फ्रॉड करेगा तो। भाई हम किसी से पैसा नहीं लेते ना, हम अकाउंट हैंडलिंग करते हैं, हम केवल सिग्नल दे देते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा भला हो जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बाकी आप यार मेरी वीडियोस को काफ़ी प्यार देते हो, अच्छे व्यूज़ देते हो, लाइक्स कमेंट्स आते हैं, तो मुझे ना मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। ठीक है, इस वजह से मैं बना पाता हूँ हर एक एक दिन छोड़ के। अगर ऐसा मेरे वीडियो पे व्यूज़ ना आने बंद हो जाए तो मेरा तो डिमोटिवेशन हो जाएगा, कब का बनाना बंद कर देता। वो तो मुझे पता है कि लोग इतना चाहते हैं, लोग मेरी नॉलेज को अच्छा मानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं मुझसे कुछ, इसलिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आपको भी जो है वीडियोज़ में अच्छे व्यूज़ देने हैं ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले, मैं बनाना बंद ना करूँ, आपके लिए लेके आता रहूँ हर मार्केट के बारे में। ठीक है, तो ये सब है इस ट्रेड में। देखते हैं क्या हो रहा है सपोर्ट लेवल की वजह से। अब की तो मैंने लगा दी है, पर देखते हैं कि कैंडल जाती कहाँ है। और अगर इसको लॉस करेंगे तो इससे ईगो हर्ट मत करना अपना, होता है प्लस माइनस चलता है। ठीक है, अपने पे एक नेक्स्ट लेवल है नीचे वाला, इस पे ट्रेड ले लेंगे यार। आपको एक और चीज़ करनी है, आप जिस रेंज में ट्रेड कर रहे हो ना, आप ऐसा तो है नहीं आप पीछे बहुत पीछे देख रहे हो, थोड़ी बहुत ही देखते हो, एक एक पेज का चार्ट देखते हो तुम, जो एक पेज में फिट आ रहा है, तो उतने चार्ट में सारी आप प्राइस एक्शन बना दिया करो कि इन केस यहाँ लॉस हुआ तो ये वाला लेवल है मेरे पास, यहाँ लॉस हुआ तो ये वाला लेवल है। कोई तो काम करेगा, कोई भी लेवल काम करेगा, आपका काम बन जाएगा। जैसे मैंने बोला, आपको 3 में से 1 बार जीतना है। ठीक है, वो भी 3 में से 1 बार तब जब तुम एकदम नॉर्मल इंटरमीडिएट हो। अगर तुम प्रो लेवल पे आ गए तो 3 में से 2 बार भी जीत जाओगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है यार। कई लोगों को मैंने देखा, वो ट्रेडिंग को इतना नेगेटिव वे में बताते हैं ना कि लोगों को डिमोटिवेट कर देते हैं, लोगों को लगता है कि उन्हें कभी ट्रेडिंग आ ही नहीं सकती। अरे भाई ऐसा नहीं है, सारा समय देने का चीज़ है। जो बंदा समय दे गया, जो रुका नहीं, जो थमा नहीं, उसने टाइम दिया, वो 1% में आएगा, वो कमाएगा। जो बीच में ही हार मान गया वो तो भाई 99% में आके जीरो ही करेगा ना पैसा। और लोग कहते हैं ट्रेडिंग में 1% सक्सेस रेट है, बहुत कम है। तो मुझे ये बताओ, कौन से फील्ड में 10% सक्सेस रेट है, कौन से फील्ड में 20% है? हर फील्ड में सेम ही तो हाल है। UPSC की तैयारी करोगे तो वहाँ तो और बुरे हाल है, 0.1% है। हर फील्ड में तो बुरे हाल हैं, ट्रेडिंग में ही थोड़ी। कम से कम यार बाकी फील्ड में ये है कि अगर 1% सक्सेस रेट है तो वहाँ जॉब मिल रही है, तो जॉब 25-30 हज़ार की, 40 हज़ार की मिल रही है। ट्रेडिंग में ये है कि 1% में आ गए तो थैले भर के कमाओगे तुम। तो बाकी फील्ड में ट्रेडिंग में ये अंतर है, वहाँ 1% में आओगे तो घर चलेगा, और यहाँ 1% में आओगे तो पूरा मोहल्ला चला लोगे। ठीक है, इतना फ़र्क आता है। तो यहाँ से जो है आप डायरेक्शन की ले ली क्योंकि सपोर्ट है। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, अगर आपको मैं बता नहीं रहा कि मैंने कहाँ पर ट्रेड ली,
बस उसके आसपास कोई सपोर्ट देख लेना या लेवल रेजिस्टेंस देख लेना, बस ये ट्रेंड लाइन। आपको मेरी वीडियो समझनी है तो उसके आसपास सपोर्ट ऐसे ट्रेंड लाइन देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको तो हम जीतेंगे क्योंकि सपोर्ट है, ठीक है। बाकी यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। और जिस हिसाब से नीचे लोअर विक बनी है उस विक को मेरे ख्याल से ब्रेक नहीं कर पाएगा तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। और शायद चले गया, देखो चले गया, लेवल था, OTC में भी काम किया, ट्रेडर सबकी ट्रेड है भाई, ठीक है। बाकी यही था, बाकी वही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फ्री ग्रुप में आने के लिए अकाउंट बना के मैसेज करना, पेड में आने के लिए पर्सनली मैसेज करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।